तो आज बीजेपी में शामिल होंगे निखिल मदान। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता लेंगे निखिल मदान। मुख्यमंत्री की अगुवाई में बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बीजेपी का जो कुंडवा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनावों से पहले। इससे पहले भी कई जो नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज बीजेपी में शामिल होंगे निखिल मदान, दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता लेंगे निखिल मदान। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, आज बीजेपी में शामिल होंगे निखिल मदान, दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता लेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कुंडवा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव से थोड़े ही समय पहले इस तरीके की बड़ी ज्वाइनिंग होना खुद में काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी का कुंबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल आज ज्वाइनिंग होने वाली है, काफी खास ही ज्वाइनिंग कही जा रही है। क्योंकि तो देखिए, सबसे पहले तो ये हो जाता है कि जैसे ही अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहनलाल बरौली, उसके तुरंत ही बाद इस तरीके से सोनीपत के मेयर का ज्वाइनिंग होना खुद में अहम हो जाता है। हालांकि देखिए, रातों रात ये चीजें तो बिल्कुल नहीं हुई होगी, पहले से ही इस तरीके की चीजें चल रही होगी। और देखिए, खास बात ये हो जाती है कि निखिल मदान को काफी करीबी माना जाता था हुडा के, चाहे भूपेंद्र सिंह हुडा की बात की जाए या दीपेंद्र सिंह हुडा की बात की जाए, तो काफी अहम उन्हें माना जाता था। और देखिए, विधानसभा चुनाव के तुरंत ही पहले इस तरीके की शिफ्ट होना, कांग्रेस से बीजेपी में आना, तो बीजेपी के लिए बिल्कुल एक अपर हैंड की तरह हम मान सकते हैं कि कुंडवा बड़ा होता हुआ दिख रहा है। वही कांग्रेस के लिए थोड़ा झटके की चीज है ये, तो बिल्कुल काफी अहम ये ज्वाइनिंग करने वाली है। बेहद शुक्रिया पराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज बीजेपी में शामिल होंगे निखिल मदान, दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता लेंगे निखिल मदान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।